तो एक्सेल खोल लेते हैं। एक्सेल खोलने से पहले, अच्छा खोल लेता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है एक्सेल दो, आप कॉलम और रो पूछ रहे थे, ठीक है, कि कॉलम रो तो ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं बोला था कि नहीं जी, एक्सेल 2003 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 256 कॉलम और 265,536 रो होता है, ठीक है। वाइवा में पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। इंस्टॉल कैसे किया जाता है सॉफ्टवेयर, डबल क्लिक करके किया जाता है, मैं आपको बताया था। तो ये मेरा सॉफ्टवेयर है, मैं डबल क्लिक किया और फिर ये इंस्टॉल होने नहीं लगा है अभी, ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है। थोड़ी देर में मेरे से कुछ कुछ पूछेगा और मैं इसको बताऊंगा और फिर वो इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो आपको भी आ जाए इंस्टॉल करना, इसलिए आपके सामने ही कर रहा हूँ, ठीक है। पीछे सुनाई तो दे रहा है ना सबको, क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत खराब है तो मैं हल्ला उतना नहीं कर पाऊंगा। ऐसा है कि आपको लगे कि मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ, ठीक है, तो आप बोल देना कि अब हो गया, कल बताना, ठीक। क्योंकि मैं सोचा था कि 1 घंटा बताऊंगा और थ्योरी शायद 1.5 घंटे या पौन 2 घंटा हो गया, ठीक है। तो आपको ज़्यादा लगे कि ज़्यादा समय लग रहा है तो कह देना कि अब कल पढ़ने का, ठीक है। चलिए ये इंस्टॉल हो जाए तो हम कुछ देखते हैं, तब तक इसको स्टॉप कर देता हूँ, ये काहे के लिए चलेगा। आऊँगा मैं यहाँ पे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कर दूँगा 2003, ठीक। मेरा ये कहना था कि 2003 जो है 2007 में या 10 में ज़्यादा है, ठीक है। कंट्रोल और लेफ्ट एरो दबाया, आखिरी में आ गया, ठीक है। अब ये आखिरी सेल है, ठीक है, ये कौन सा कॉलम नंबर है इसको जानने के लिए फंक्शन है सेल फंक्शन। फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इक्वल टू का साइन देंगे, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन लिखने से पहले, ठीक है, इक्वल टू का साइन देना जरूरी है, ठीक। वाइवा में ये पूछा जाएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया, फिर SELL, ठीक, सेल ये कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगा COL, फिर डबल कोट, ठीक, फिर कर दूंगा ये, फिर कर दूंगा एंटर, बोल दिया 256 कॉलम, ठीक। तो सिद्ध हो गया कि ये 256 कॉलम है, ठीक। आखिरी में आया, कंट्रोल डाउन एरो दबा के, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 65,536, ठीक है। तो यही एक्सेल का सत्य है, ठीक, 2003 का सत्य है, ठीक है। 2007 में ज़्यादा होगा, बाकी बाकी में ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए जी, एंटर मारा, ठीक। तो जैसे एम एस वर्ड 2003 में बताया था वही सब कुछ इसमें भी है, ठीक है। यहाँ ऑप्शंस में जाएंगे आप तो इसमें बहुत सारा चीज होगा, खैर मैं बाद में बताऊंगा आपको। 2010 को देखते हैं अब, ठीक है। मैं कहाँ पे पहुँचा था ज़रा आप लोग बताइए, कहाँ पे मैं बताया था। ये वाला हो गया था ना, चलिए ये वाला नहीं हुआ था, हो गया था नहीं हुआ था। एंटर मारा, डिलीट करना है तो कंट्रोल के बाद माइनस दबाइए या फिर राइट क्लिक करके डिलीट करिए, ठीक। रो को भी डिलीट करना है, कंट्रोल माइनस दबाइए आप, ठीक है। कंट्रोल माइनस तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, वो अभी तो कॉलम डिलीट हुआ, माइनस दबाऊंगा, ठीक है। माइनस दबाया तो रो डिलीट हो गया, ठीक है। और ये सीट इंसर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, इंसर्ट वर्कशीट बोल रहा है, और शिफ्ट F11 दबाऊंगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कितना सीट इंसर्ट हो सकता है,
जितना औकात ठीक है हो जाएगा उतना। ठीक है तो यही है डिलीट वाला है ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट ठीक है, ये फॉर्मेट कह रहा है कि रो का हाइट कितना होगा ठीक है। अभी 15 है इसका रो का हाइट ठीक है, मैं कर दिया 20 और एंटर मारा तो ये वाला देखिए हो गया ठीक है। इन सब का हाइट को ये बड़ा छोटा करेगा रो हाइट ठीक है। आप इसमें दीजिए मैं 20 कर दिया तो 20 हो गया ठीक है। या फिर यहाँ पे आप पकड़िए ठीक है, और जब माउस पैटर्न ऐसा बनता है ठीक है तो जितना आप रखेंगे हाइट उतना ये सबका कर देगा ऐसा, जितना सिलेक्टेड होगा ठीक है। फिर उसके बाद फिट विड्थ, क्या ये वेट लिखा है ठीक है, मैं क्या दबा दिया ये है ठीक, ये है ठीक है। इसको जनरल किसी का पे टेक्स्ट कर देंगे हम तो बदल जाता है ये ठीक है, और फिर नंबर कर देंगे तो बदल जाता है ये ठीक है। इसको हटा देंगे तो 0 गायब हो जाएगा ठीक है, खत्म कर दूं मैं इसको। इसमें कुछ लिख दिया मैं ठीक है, ये है, या फिर कोई टेक्स्ट लिखता ठीक है। उसके बाद क्या है, रो का जो विड्थ है वो फिट हो ठीक है, तो ये फिट हो गया ना कंटेंट के अकॉर्डिंग हो गया। मैंने इसको बड़ा किया था ऐसे ठीक है, लेकिन यहाँ से आके कर दिया मैं फिट ठीक। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा फिट कर दूँगा कॉलम विड्थ, तो ये कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट हो गया ठीक ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इतना सारा जो है लिखा कंटेंट ठीक है, अब इन सब को मुझे फिट करना है कंटेंट के अकॉर्डिंग विड्थ कॉलम का, तो यहाँ पे आके फिट कर दिया, सबका हो गया कंटेंट के अकॉर्डिंग ठीक है। लेकिन मैं कंट्रोल जेड किया ठीक, अब यही है ठीक है, और इसमें कुछ लंबा लिख दूंगा ठीक है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा ठीक है, और ये है यहाँ पे आया सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक मारा तो भी अपने आप ये फिट हो जाएगा ठीक। यहाँ पे ये देखिए ये है ये कुछ इतना हो गया, ये वाला इतना हो गया, ये वाला और नीचे चल गया, ये वाला इतना हो गया। इन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आके डबल क्लिक तो ये भी विड्थ के अकॉर्डिंग फिट हो गया ठीक है। तो यही है कुछ एक्सेल का सत्य ठीक, आसान है बन जाएगा। और ये है डिफॉल्ट विड्थ ठीक है, मैं सेलेक्ट किया ऐसे बोल देता हूँ जी डिफॉल्ट विड्थ कर दो ठीक है, स्टैंडर्ड विड्थ इतना होता है, कर दिया एंटर स्टैंडर्ड हो गया ठीक है। हाइड अनहाइड रो ठीक है, हाइड रो में क्लिक करूँगा तो हाइड हो गया उतना रो, छिप गया ठीक है। फिर यहाँ पे आके कर दूंगा ठीक है, तो हाइड हो जाएगा, हाइड तो हो ही चुका है ठीक है। अब उसको लाएं कैसे, ये तो मेरे को समझे में नहीं आ रहा है, गायब तो कर दिया जी ठीक है। अब अनहाइड कैसे करें पता नहीं, तो ठीक इधर ऑप्शन है अनहाइड रो, तो अनहाइड हो जाएगा ठीक है। किधर गया यार, अनहाइड रो वो कहाँ गया है,
यही है ना, अनहाइड कॉलम का भी है, ठीक है। शिफ्ट क्या बोला है, शिफ्ट के बाद कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट मारना है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट, ये तो कुछ हुआ ही नहीं जी, नहीं हुआ ना, क्या कॉलम है, कॉलम को भी मैं हाइड कर देता हूँ, नहीं नहीं यहाँ से नहीं करूँगा मैं, ठीक है। ये है, इसको कर दिया हाइड कॉलम, कॉलम भी गायब हो गया, ठीक है। इसको कर दूंगा अनहाइड कॉलम, तो ये आ गया, ठीक है। फिर अनहाइड रो, ठीक है, ये भी आ गया, ठीक है। और भी कुछ ऑप्शन है, हाँ जी, ये वाला मान लीजिए नंबर यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 68 वाला सीट, ठीक। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, इसमें एक तो ऑप्शन है हाइड सीट, ठीक है, क्लिक कर दूंगा मैं, वो गायब हो गया, सच में हो गया ना, ओह मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है जाइए। अनहाइड सीट कर दूंगा, अच्छा यहाँ पे इतना सारा दिखाने लगा, मैं बोल दिया भैया जाओ कहे को, तुम हाइड रहोगे, ठीक है। इनका कुछ शॉर्टकट बटन भी है, जैसे इसका हाइड रो का, हाइड कॉलम का, ठीक है। 9 है इसका, सच में 9 दबाऊं तो हो जाएगा, हो जाना चाहिए जी, क्यों नहीं हो रहा है यार, क्यों नहीं हो रहा है, मेरा नंबर लॉक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से रीनेम भी हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट इन सब पे आप करोगे, ठीक है, और बताना कि काम चल रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हाइड एंड हाइड तो हो गया ना, रीनेम सीट, रीनेम पे आप क्लिक करेंगे तो इस सीट का नाम आप बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं नाम बदल दिया, ठीक है, राइट क्लिक करके भी ये रीनेम हो सकता है, ठीक है। राइट क्लिक करके भी यहाँ से ये डिलीट हो सकता है, राइट क्लिक करके भी ये क्या हो सकता है, इंसर्ट हो सकता है, ठीक है। सेलेक्ट ऑल सीट करेंगे तो सेलेक्ट होगा, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से चाहूँगा तो डिलीट कर दूँगा, ठीक है। तो यही है इसमें टोटल, ठीक ना, ये है मूव आर कॉपी सीट, ठीक है। तो इस पर मैं कुछ लिखा, ठीक है, सीट इसमें लिख दिया ना, मैं इसमें लिखना चाह रहा हूँ, रुकिए मैं क्लोज कर रहा हूँ, हैंग कर गया मेरा कंप्यूटर, ठीक है इसमें आया, ठीक। यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ, ठीक है। अब इस सीट में बहुत कुछ लिखा हो सकता है, फॉरवर्डिंग वगैरह टोटल, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको मैं मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, मर्ज कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी किया, ठीक है, और फिर यहाँ पे आया। अब कंट्रोल वी दबा दूंगा, या फिर यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट डेस्टिनेशन एंड प्रेस एंटर और चूज पेस्ट, ठीक है, एंटर दबा दूंगा तो भी ये पेस्ट हो गया, ठीक है। या फिर राइट क्लिक करके भी मैं पेस्ट कर सकता था, तो ऐसे मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं, ठीक है, जो कि जहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है, तो फॉर्मेटिंग थोड़ा बिगड़ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या करिएगा कि राइट क्लिक करिएगा और कॉपी या फिर मूव करना है आपको, ठीक है।
डबल क्लिक करके पकड़ के ऐसे ले जाऊंगा तो भी ये मूव हो जाएगा सीट, ठीक है। डबल क्लिक किया और ऐसे ले लाया पकड़ के, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, इसमें क्लिक करूँगा, फिर कर दूँगा मूव टू एंड, ठीक। लेकिन इसमें अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो मूव हो करके चला जाएगा, ठीक है। और इस पर क्लिक नहीं नहीं इस पर मैं क्लिक अगर नहीं करूँगा तो मूव होके आखिरी में आ जाएगा, और इस पर मैं क्लिक करूँगा तो कॉपी बन जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक मैं किया, ओके कर दिया, इधर कॉपी बन के आ गया इसका, ठीक है। ये सीट यहाँ है, इसमें भी ये 1666 है और इसमें भी ये है, ठीक। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, डिलीट। और इस पर मैं आता हूँ और राइट क्लिक करके मूव करता हूँ, ठीक है, आखिरी में आके एंड में क्लिक करता हूँ तो ये आ गया आखिरी में। इस पर कर्सर ले जाके डबल क्लिक करके भी खींचोगे ना तो भी ये आ जाएगा इधर, ठीक है। तो यही जो है इसमें कुछ चीज़ें हैं डिलीट वगैरह करने के लिए, ठीक है। और ये यहाँ से भी हो जाएगा, प्रोटेक्ट सीट, लॉक सीट, ठीक है, लॉक सेल। इन सब को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बाद में रिव्यू मेन्यू में, ये सब जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट वगैरह, ठीक है। या फिर कुछ हमें ज़रूरत पड़ जाए तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी देख लेते हैं, अच्छा चलिए, ठीक है, प्रोटेक्ट सीट, ठीक है। प्रोटेक्ट सीट में आप पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है वो सब है, ठीक है। लेकिन हम इसको अभी ना पढ़ के हम पढ़ लेंगे रिव्यू वाले में, ठीक है। या फिर कुछ हम ऐसा बनाएं अपना फॉर्मेटिंग डिजाइंस वगैरह, ठीक है, जिसमें प्रोटेक्शन का ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे आप चाहें तो इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ा बहुत आप, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे बोल दिया सेलेक्टेड सेल लॉक्ड, ठीक है। अब सेलेक्टेड सेल लॉक्ड का क्या मतलब है, वो सेल लॉक हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट सेल, ठीक है, जो फॉर्मेटेड है फॉर्मेट को लॉक कर देगा, ठीक है, रोज को लॉक कर देगा। इंसर्ट में क्लिक कर देंगे तो इंसर्ट नहीं करने देगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये नहीं इंसर्ट करने देगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट नहीं होगा, ठीक है। यही जो है इसमें है, ठीक है। एक तो चलिए हम इतना सेलेक्ट किया हूँ ना, चलिए इसको मैं कर दिया ओके, ठीक है। फिर मांग रहा है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये सब डिसेबल कर दिया, ठीक है, डिलीट करेंगे तो होगा, ये क्या बोल रहा है, डिलीट हो गया। ये बोल रहा है कि मैं टाइप नहीं करने दूंगा, लॉक कर दिया ये, ठीक है, ये लॉक हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे हो रहा है इंसर्ट, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया इंसर्ट, ठीक है। सेल लॉक्ड हो गए, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें सेलेक्ट किया था ना, मैं इसको अनसेलेक्ट में ही कर देता हूँ, ठीक है, ओके। पासवर्ड तो मैं डाला ही नहीं, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ये तो करने नहीं देगा, ठीक है। सीट नंबर 5 में मैं हूँ, प्रोटेक्ट सीट, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इंसर्ट करूँगा ना तो डिसेबल हो गया, ठीक है। फॉर्मेटिंग भी नहीं कर सकता, कॉलम विड्थ भी कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। ये देखिए कॉलम का विड्थ को भी मैं बढ़ा घटा नहीं सकता, तो यही है प्रोटेक्शन का मतलब, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। पिछले बार जो मैंने किया था ना, सेलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक कर दिया था, तो मैंने परमिशंस दे दिया, ठीक है, कि ये होना चाहिए, ठीक है। मैंने चेक करता क्या, मैं ध्यान नहीं दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है।
सेलेक्टेड लॉक्ड है, ठीक है। ये टाइप हम कैसे करेंगे इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। वैसे आप जानना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। जैसे राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट सेल पे जाऊँगा, प्रोटेक्शन में है, यहाँ पे लॉक्ड को ऐसे कर दूँगा ना, और फिर प्रोटेक्ट करूँगा ना, तो क्या होगा, लिख पा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यही है इसका मतलब, ठीक है। हाइपर लिंक वगैरह भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। और प्रोटेक्शन को हम यहाँ भी पढ़ लेंगे, ठीक है। वर्कशीट भी प्रोटेक्ट होता है, वर्कशीट बोल रहा हूँ, ये वर्कबुक, ठीक है। स्ट्रक्चर को आप चाहो तो लॉक कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये अब स्ट्रक्चर लॉक हो गया, लेकिन लॉक हो गया तो ये कहाँ हुआ, ये विंडो है, ठीक है। ये देखिए, राइट क्लिक, इंसर्ट में नहीं कर पा रहा हूँ सीट, ठीक है। तो ये लॉक कर दिया ये, ठीक है। अब मैं इसको भी नहीं कर पाऊँ, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये डिलीट भी नहीं करने देगा, ठीक है, प्रोटेक्ट कर दिया यहाँ से, ठीक है। इस पे मैं आऊँगा, 1 2 3 4 5 6 7, एंटर, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर ये विंडो को भी कर दूंगा ना, तो ये विंडो भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। जैसे 1 1 2 3 एंटर, 1 2 3 एंटर, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पे जो था ना ऑप्शन, वो गायब हो गया। तो गायब कैसे हो गया, लॉक हो गया स्ट्रक्चर भी, ठीक है। तो यही सब है इसमें। इस प्रोटेक्शन को आप बाकी को भी ट्राई करिएगा, जो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, उसको आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4, ये तो बोल रहा है पासवर्ड गलत है, पता नहीं क्या मैं डाला, भूल गया। अच्छा, 1 2 3 डाला था, मतलब 3 बार 0 डाला था, 1 2 3 नहीं था, ठीक है। तो यही है ये प्रोटेक्शन वगैरह का मतलब। फॉर्मेट सेल आता है उसके बाद, ठीक है। फॉर्मेट सेल में आप जान ही रहे हो, नंबर फॉर्मेटिंग, ये सब अलाइनमेंट वगैरह, फॉन्ट वगैरह, बॉर्डर, फिल इफेक्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर लॉक्ड को अनचेक कर दोगे, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जो सेल सेलेक्टेड होगा, ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे इस सेल पे राइट क्लिक कर दिया और कर दिया बाय डिफॉल्ट, ठीक है, जाइए, बाय डिफॉल्ट सारे सेल लॉक होते हैं। राइट क्लिक करके सेल फॉर्मेट में क्लिक करूँगा तो ये देखिए लॉक, ठीक ना। मैं इस सीट में आ रहा हूँ, उसमें कुछ फॉर्मेटिंग किया था मैं, ठीक है, अनलॉक किया था मैं कुछ शायद, ठीक है, चले जाओ, ये लॉक्ड है, ठीक है, सारा बाय डिफॉल्ट लॉक्ड होता है, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि इसमें कर दिया राइट क्लिक करके फॉर्मेट और कर दिया मैं अनचेक, ठीक, कर दिया ओके। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं आऊँगा, ठीक है, प्रोटेक्ट सीट, यहाँ पे है सिलेक्शन लॉक्ड सीट, ठीक है। जो भी हो, मैं पासवर्ड 1 2 3 एंटर, 1 2 3 एंटर, ठीक है। ये टाइप नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये देखिए, लेकिन इस पे मैं टाइप कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं इसको अनलॉक कर दिया था, ठीक है। तो यही है प्रोटेक्शन का मतलब, ठीक है। तो उम्मीद है ये प्रोटेक्शन भी आपको समझ में आ गया था, मेरा मर्जी नहीं था अभी बताने का, ठीक है, लेकिन फिर सोचा देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है, प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, ठीक है। आगे बता दूं या, ठीक है, नहीं बताते हैं, मैं बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी देख लेंगे हम अगले दिन, ठीक है, चलिए।